अब इसको देखिएगा, बाइबल की सब बातें सच क्यों हैं? आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल की सब बातें सच हैं। जी हां सच है, क्यों मैं ये रख रहा हूं, मजा आएगा लेते जाइएगा। बाइबल की सब बातें सच क्यों है? तीन कारणों से। कितने? तीन कारणों से मैं रखने जा रहा हूं। नंबर वन, व्यक्ति रियल थे, हिस्ट्री इसका प्रूफ है। व्यक्ति जिसके बारे में किया ना, व्यक्ति रियल थे। दूसरा, जिस जगह पर घटना घटी वो जगह रियल थी, हिस्ट्री इसका प्रूफ है। तीसरी बात, बातें रियल थी, हिस्ट्री इसका प्रूफ है। तो फिर कहता हूं कि बाइबल की बातें सच क्यों हैं यूट्यूब के लोगों, तीन कारणों से। व्यक्ति रियल थे, जगह रियल थी, बातें रियल थी। क्या बात है! और इस बात का प्रूफ कौन है? हिस्ट्री। व्यक्ति रियल कैसे थे? मूसा रियल था, अब्राहम रियल था, पौलुस रियल था, यीशु रियल था, कौन मना कर सकता है बताइए। जगह रियल थी, आज भी गूगल पे टाइप करो मिडल ईस्ट की, एक एक घटना को टाइप करो, आपको टक टक मिल जाएगा, एक एक चीज मिल जाएगी। यीशु की खबर आज भी है। कहते हैं कि इनकी बातें क्या कहते हैं ना, छंदा मामा की कहानी की तरह। यार अगर हम तुम्हारे में घुसेंगे तो फिर पूरी तरह से ना छितड़ा कर देंगे, लेकिन जो वास्तविक है, जो सच है, वो आपको स्वीकार करना ही होगा। मैं इसमें नहीं घुसूंगा, नहीं तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो वापस आता हूं कि बाइबल की बातें सच क्यों है, तीन कारणों से। व्यक्ति रियल था या थे, जगह रियल थी और बातें रियल थी, ठीक है ना? ये बात आप समझ गए ना? अगर